हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिलहाल मैं आप सबके लिए न्यू क्रंच लेकर आ गई हूँ। न्यू क्रंच है, ये है न्यू क्रंच। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पेबल पोट, शायद पेबल पोट बोलते हैं इसका। मेरे टीथ ब्लैक हो रखे हैं और ये न्यू वीडियो है, पहले ही बता देती हूँ मैं आप सब। कोई भी ओल्ड वीडियो मत बताना, इसको न्यू वीडियो है। आज मैं इसी को क्रंच करने वाली, एक बार पहले भी मैंने ऐसे क्रंच किया है, आज फिर से इसी को क्रंच करने वाली है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट सा। एंड जिसने अभी तक मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिए जैसे आपने यहाँ पर सपोर्ट किया है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची एंड टेस्टी अर्दी। अभी ये मेरे सेकंड वाले स्टॉक में से है। मेरा जो फर्स्ट वाला स्टॉक था वो फिनिश ही हो गया है लगभग, ये सेकंड वाले स्टॉक में से आइटम आ गए हैं अभी। इन्हीं को मैं क्रंच कर रही हूँ फिलहाल, एंड आप सबके लिए न्यू क्रंच लाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। फेस्टिवल्स हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, एक तो आराम नहीं मिल पाता ना बिल्कुल भी। अगर आराम मिले थोड़ा बहुत तो फिर आराम भी लग जाए तबीयत को भी, आराम नहीं मिल पाता है। बच्चे हैं, कभी खाना है, कभी घर का काम है, कभी सफाई चल रही है, दीपावली की सफाइयाँ चल रही है ना, इसलिए काम तो होना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ वैसे सबके घरों में काम होना चाहिए, भगवान सबको काम दे जैसे मेरे बच्चे हैं, सबके बच्चे दे, क्योंकि बच्चों का काम करने में खुशी भी बहुत मिलती है। लेकिन वही है, बस टाइम नहीं मिल पाता है, यानी खुद से मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। इसलिए मेरी अगर एक बार तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत ही दिनों में जाके सही होती है, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब होती है, ऊपर से वही काम, मतलब जो पहले वाला काम होता है वही पूरा काम मुझे ही करना होता है कोई भी। वैसे मम्मी करा देती हैं थोड़ी बहुत हेल्प, लेकिन मम्मी को मेरे जो ससुर जी होते हैं, आप सबको मैंने बताया ही हुआ है, ससुर जी हैं, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे जो ससुर जी हैं वो बीमार रहते हैं, उनका ज़्यादा काम होता है, मम्मी को पापा जी का ज़्यादा काम होता है, इसलिए वैसे वो मेरी हेल्प करा देती है वैसे जब भी उन्हें टाइम मिलता है। एंड बस यही है सब। प्लीज़ आप सब मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू होते चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी मैं थक गई हूँ बैठे बैठे, क्योंकि आप सबको पता ही है मैं दो तीन वीडियो लगातार ही शूट करती हूँ एक साथ बैठ के। एंड अभी डैंड्रफ हो गया है मेरे सिर में भी, बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, क्योंकि सर्दियों में हो ही जाता है। फिलहाल मैं 3 मिनट का वेट कर रही हूँ, 3 मिनट होते ही मुझे एक क्रंच करना है एंड स्वेलो करना है। टेस्ट अच्छा लगा तो, पिछली बार जैसा टेस्ट लगा तो स्वेलो, वरना नॉन स्वेलो। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्रंची तो है, क्रंच साउंड।
मज़ा आ गया सच में, बहुत ही ज़्यादा इम्मी क्रंची टेस्टी अर्दी वाव। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, सुपर से ऊपर क्रंची थी बहुत ही ज़्यादा। यही वाले आइटम मुझे पसंद आते हैं, सॉफ्ट होते हैं मुझे पसंद नहीं आते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रंची थी, टेस्टी थी, ओसम थी, अर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया सच में इसको क्रंच करने में। वाह सोडन, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर लव सपोर्ट केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।